नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल्स देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अगेन अमेज़न हॉल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। मुझे ना एक व्हाइट कलर का प्लाजो चाहिए था जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। मुझे ये रंगीता ब्रांड का अमेज़न पे बहुत अच्छा व्हाइट कलर का प्लाजो मिला बिकॉज बहुत सारे कुर्तों के नीचे पहनने के लिए हो जाता है। सो यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। रेयन मटेरियल का है तो काफी सॉफ्ट फैब्रिक है। कॉटन का क्या होता है ना, क्रीजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें भी क्रीज हो रहे हैं बट इतने ज्यादा नहीं हो गया और आराम से निकल भी जाएंगे। यहाँ पर बॉटम में इसके बॉर्डर्स पे ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये मैंने इसलिए मंगवाया बिकॉज मैंने एक दो शॉप्स बाहर से भी मैंने कुछ एक आध ऐसे कुर्ते लिए हैं जो व्हाइट के ऊपर आराम से चल जाए, और अमेज़न हॉल में भी मैंने एक दो ऐसे कुर्ते लिए हैं जो व्हाइट प्लाजो पे ही मुझे पहनना था। सो यस, इसलिए सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये आपको बता दिया बेसिक सा। नाउ कमिंग टू माय सेकंड प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटीफुल अंगरखा सेट। तो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जनाइसा एंड आई एम इन द साइज स्मॉल। तो ये कैसा है ना, मतलब यहाँ से अटैच्ड है और इधर से आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसको लूज टाइट कर सकते हो और इधर से इसको आपको टाई करना होता है इस तरीके से। तो प्योर कॉटन का है, इंडिगो कलर है और लगता भी बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर के प्लाजो में अमेजिंग लगेगा, मतलब आप घर पे तो इसको बहुत आराम से पहन सकते हो, बाहर ऑफिस सब जगह इसको कैरी कर सकते हो। इट्स दैट ग्रेट एंड स्मार्ट पीस। तो ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस अगेन ब्यूटिफुल कॉटन का कुर्ता है। दिस इज अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड जनाइसा और बहुत अच्छा लगा मुझे। स्लीवलेस है, मतलब समर्स के लिए एकदम एप्ट है, बहुत सही है, कंफर्टेबल है। बट मुझे सिर्फ इसमें सबसे अनकंफर्टेबल इसकी कोई चीज लगी तो वो लगी इसका नेक। मेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे यहाँ पे बहुत सफोकेटेड सा फील हो रहा था। जबकि ये वाला जो साइज है ना, ये भी स्मॉल ही मैंने मंगवाया, बाकी सब साइजेस के जैसा ही मंगवाया, बट स्टिल ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अनकंफर्टेबल था, बाकी नीचे से एकदम सब परफेक्ट था। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने इस बार एक नया ब्रांड डिस्कवर किया है, इसका नाम है सोच। मैंने इससे पहले इसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाए थे, मेरे रिकमेंडेशन में आया और मुझे काफी अच्छा लगा, कोई रिव्यू भी नहीं थे इस पे, और मैंने कहा चलो मंगवा करके देखते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल पिस्ता ग्रीन कलर है, आप इसका कलर देखो पहली बार तो, इट्स वेरी समरी कलर। और इसका जो ये नीचे अनारकली है ना, ये भी इतना प्यारा घेरदार अनारकली है एंड सो कंफर्टेबल दैट यू विल गोइंग टू लव इट। मतलब इतना प्यारा लग रहा था ये पहनने के बाद। रेयन है, कॉटन नहीं है बट बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है और व्हाइट प्लाजो पे तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे आई रियली लाइक दिस ब्रांड क्वालिटी वगैरह, स्टिचिंग क्वालिटी जो ना, फैब्रिक क्वालिटी, वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। बाकी आपको मैं पहन के जो दिखा रही हूँ साइड में, वो उससे आपको और अच्छे से समझ में तो आ ही जाएगा। इस तरह कुर्ता वाइन एंड ब्राउन ऐसे मिक्स टाइप का कलर है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट इसकी ये है, ये जो ये लोग है ना, ये यहाँ पे कुर्ते में कुछ अलग टाइप की स्टिचिंग यूज करते हैं। दिस ये जो ये यहाँ पर यूज करते हैं ना, एक अलग से ऐसे फैब्रिक लगा करके, इसकी वजह से कुर्तों में फिटिंग ही एकदम अलग आती है। और इनके ये मैंने सारे कुर्तों में देखा है, रियली लव दिस फिटिंग, इतना प्यारा लगता है ना। और ये है मेरा जो साइज है, माय साइज इज एक्स्ट्रा स्मॉल। ये पैटर्न ही ऐसा है, नो एक्सपेंसिव है बट इसकी फिटिंग क्वालिटी, बॉडी पे जिस तरीके से ये फ्लेयर करता है, मतलब आप इसको पहनने के बाद सोच ही नहीं सकते हो कि आपको इसको नहीं लेना है, वैसा वाला फैब्रिक है मतलब। और ये है इसका बॉटम, बहुत कंफर्टेबल, मतलब एकदम परफेक्ट साइज होता है इसका। आपको ना ऑल्टर कराना है, ना आपको कुछ फोल्ड कराना है, ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न कराना है, इट्स दैट ग्रेट। सो दिस इज माय नेक्स्ट पीस एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पीस एज वेल फ्रॉम दिस होल रेंज। इसके साथ दिक्कत पता क्या हो गई थी मेरा, मुझे मैंने ना कॉटन फिल्टर लगाती हूँ मैं कॉटन सूट्स के लिए, जब मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही होती हूँ तो मैंने फिल्टर लगाया हुआ था और मुझे ये सूट रेकमेंड हो गया। तो मैंने कहा कलर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसे बर्ट ऑरेंज टाइप का कलर है, इस चक्कर में उसको ऑर्डर कर दिया। मैंने डिस्क्रिप्शन चेक ही नहीं किया कि इसका फैब्रिक मटेरियल क्या है, सिल्क ब्लेंडेड कॉटन है ये। तो मैंने ना जैसे ही फिर जब ये आया तो मैंने कहा यार ये इससे चिकना चिकना कपड़ा क्यों लग रहा है, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मैंने कहा वाह ये मेरी मूर्खता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा। तो मैं इस तरीके के फैब्रिक लिटरली प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं तो इसको रिटर्न करने वाली हूँ। बट अगर आप सिल्क कॉटन ब्लेंडेड इस तरीके का पहनना पसंद करते हैं तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि मुंबई का वेदर अलाउ ही नहीं करेगा ये सब पहनने के लिए। सो ये है, इधर पे देखिए इसमें अगेन ऐसे गोल्डन गोल्डन ना पतले पतले, जैसे मैंने ऑरेंज सूट मंगवाया है, बहुत सुंदर सूट बट बस वही है कि मुझे जमा नहीं। उसके बाद ये इसका प्लाजो है, प्लाजो भी देखिए बहुत सुंदर आया, बहुत ही सुंदर घेरदार प्लाजो आया है। मैं इसको पहन के भी इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे ये एक्स्ट्रा स्मॉल, मैंने बोला कुछ ब्रांड्स का मेरे को बन जाता है, फिटिंग वाला सूट था तो गलती से मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवा दिया। तो ये क्या हुआ है कि मुझे यहाँ से नीचे फंस ही नहीं रहा है, मतलब
फंस जा रहा है लिटरली। तो ये आई थिंक मुझे स्मॉल साइज में मंगवाना पड़ेगा। सो ये इसका पैंट है और इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। इसका दुपट्टा है, ये इसका बॉटम है एंड ये कुर्ता है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इसके बाद आते हैं लास्ट पीस पे जो कि मैं पहन करके बैठी हुई हूँ। सच अ प्रिटी वाइट कुर्ता है, अंगरखा स्टाइल में है ये भी। अगेन व्हाइट इज नॉट माय कलर, मतलब होम डेकोर में व्हाइट इज माय कलर बट कपड़ों में व्हाइट इज नॉट माय कलर। मैं आपने भी बहुत रेयरली व्हाइट कपड़ों में देखा होगा बट मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मैं व्हाइट पहन रही हूँ तो एज वेल। तो ये इसका बॉटम है। सो दिस इज द बॉटम, वेरी अमेजिंग कॉटन का है, प्योर कॉटन का सूट है, इतना प्यारा लग रहा है पहनने पे, तो बहुत रिच लुक दे रहा है ये। और ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा है तो ये दुपट्टे के बिना मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू दुपट्टा, मतलब कि कुर्ता प्लाजो पहनने में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज माय लास्ट प्रोडक्ट एंड माय फेवरेट प्रोडक्ट। तो इस पूरे इसमें मेरा जो सबसे टॉप फेवरेट है वो टू ब्राउन्स है। सो दैट इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट है, सेकंड इज दिस प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट है, थर्ड इज जो मुझे सोच का कुर्ता आया है ना वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। तो ये तीन जो है माई टॉप मोस्ट फेवरेट है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।